हेलो एंड वेलकम टू आर यूट्यूब चैनल ऑल पर्पस ट्यूटोरियल्स। तो आज की ये जो वीडियो है, इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि एडजेक्टिव्स होते क्या हैं, एडजेक्टिव्स को हम यूज़ कहाँ पे करते हैं और एडजेक्टिव्स के टाइप क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले हमें ये समझना ज़रूरी है कि एडजेक्टिव्स क्या है, अगर हम उनको यूज़ करना सीखना चाहते हैं और हमें उनके टाइप समझ में आए। इसलिए सबसे पहले ये ज़रूरी है कि हमें ये पता हो कि एडजेक्टिव्स क्या होते हैं। तो एडजेक्टिव्स आर वर्ड्स दैट डिस्क्राइब द क्वालिटीज और स्टेट्स ऑफ बीइंग ऑफ नाउंस। एनॉर्मस, डॉग लाइक, सिली, येलो, फन, फास्ट। दे कैन ऑल्सो डिस्क्राइब द क्वान्टिटी ऑफ नाउंस, मैनी, फ्यू, मिलियंस, इलेवन। तो जो एडजेक्टिव्स होते हैं वो कोई भी नाउन को मॉडिफाई करते हैं और वो कोई भी नाउन की जो क्वालिटी है उसको डिस्क्राइब करते हैं। जो अगला है वो है एडजेक्टिव्स मॉडिफाई नाउन्स। तो एडजेक्टिव्स आर वर्ड्स दैट मॉडिफाई डिस्क्राइब नाउन्स। एडजेक्टिव्स डू नॉट मॉडिफाई वर्ब्स और एडवर्ब्स और द अदर एडजेक्टिव्स। तो एडजेक्टिव्स वो वर्ड होते हैं जो कि कोई भी नाउन को मॉडिफाई करते हैं या उसको डिस्क्राइब करते हैं, और एडजेक्टिव्स कोई भी वर्ब या एडवर्ब या दूसरे एडजेक्टिव्स को मॉडिफाई नहीं करते हैं। जैसे कि यहाँ एग्जांपल है, मार्गोट वोरा ब्यूटीफुल हेड टू द पाई ईटिंग कॉन्टेस्ट। ये जो सेंटेंस है इस पे एडजेक्टिव्स को स्पॉट करना बहुत ज़्यादा आसान है क्योंकि ये नाउन के जस्ट पहले लिखे हैं। जैसे कि यहाँ सेकेंड सेंटेंस है, फरी डॉग्स मे ओवर हीट इन द समर टाइम। जैसे कि यहाँ थर्ड सेंटेंस है, माई केक शुड हैव 16 कैंडल्स। तो यहाँ पे जो एडजेक्टिव है वो नाउन के जस्ट पहले लिखा है। द स्कैरिएस्ट विलेन ऑफ ऑल टाइम इज डार्थ वेडर। तो मतलब यहाँ पे जो विलेन है वो नाउन है और जो स्कैरिएस्ट है वो एडजेक्टिव्स है। बट एडजेक्टिव्स कैन डू मोर देन जस्ट मॉडिफाई नाउन्स। दे कैन ऑल्सो एक्ट एज अ कॉम्प्लीमेंट टू लिंकिंग वर्ब्स और द वर्ब टू बी। अ लिंकिंग वर्ब इज अ वर्ब लाइक टू फील, टू सीम और टू टेस्ट दैट डिस्क्राइब्स अ स्टेट ऑफ बीइंग और अ सेंसरी एक्सपीरियंस। लाइक दैट काउ श्योर इज हैप्पी। लेकिन जो एडजेक्टिव्स होते हैं वो सिर्फ नाउन को मॉडिफाई नहीं करते, वो उससे बहुत ज़्यादा भी करते हैं। जैसे कि जो नाउन है उनको सॉरी जो एडजेक्टिव्स हैं हम उनको लिंकिंग वर्ब्स के साथ भी यूज़ कर सकते हैं और जो दूसरे वर्ब्स हैं हम उनके साथ भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब लिंकिंग वर्ब क्या होता है? लिंकिंग वर्ब वो वर्ब होता है जिससे हम कोई भी चीज़ के होने की स्थिति या कोई भी जो टच होता है या फीलिंग होता है तो हम उसको डिस्क्राइब करते हैं। जैसे कि यहाँ एग्जाम्पल है, टू फील, टू सीम और टू टेस्ट। ये सब या तो कोई भी चीज़ के होने की स्थिति है, जैसे टू सी मतलब होने की स्थिति और टू टेस्ट मतलब कोई भी चीज़ को फील करना, टेस्ट को। जैसे कि तो यहाँ पे तीन एग्जांपल हैं तो आप उससे देख सकते हैं। जैसे पहला एग्जांपल है, डेट काउ श्योर इज़ हैप्पी, मतलब वो काउ बहुत खुश है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि वो जो काउ है ये मतलब हैप्पीनेस है, वो एक फीलिंग होती है। इट स्मेल्स ग्रोस इन द लॉकर रूम, मतलब ये लॉकर रूम है बहुत गंदी स्मेल आती है। तो स्मेल है इसको हम फील कर सकते हैं। ड्राइविंग इज फास्टर देन वॉकिंग, मतलब जो ड्राइविंग है वो वॉकिंग से ज़्यादा तेज़ होती है। तो फास्ट जो है हम स्पीड रहती है, हम उस स्पीड को भी फील करते हैं। द टेक्निकल टर्म फॉर एन एडजेक्टिव यूज दिस वे इज प्रेडिकेट एडजेक्टिव। तो ये जो इस प्रकार के एडजेक्टिव होते हैं उनको हम प्रेडिकेट एडजेक्टिव कहते हैं। अब वेयर एडजेक्टिव्स गो इन अ सेंटेंस, मतलब हम एडजेक्टिव्स को कहाँ पे यूज़ करते हैं। वी यूज़ एडजेक्टिव्स टू डिस्क्राइब नाउन, हम एडजेक्टिव्स को नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ करते हैं। मोस्ट एडजेक्टिव्स कैन बी यूज्ड इन फ्रंट ऑफ अ नाउन। तो जो बहुत सारे एडजेक्टिव्स हैं वो कोई भी नाउन के फ्रंट में यूज़ हो सकते हैं। जैसे कि दे हैव अ ब्यूटीफुल हॉर्स, अभी सॉरी दे हैव अ ब्यूटीफुल हाउस। तो हाउस नाउन है और ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है। वी सॉ अ वेरी एक्साइटिंग फिल्म लास्ट नाइट, तो जो फिल्म है वो नाउन है और एक्साइटिंग है वो एडजेक्टिव है।
और आफ्टर अ लिंक वर्ब लाइक बी लुक और फील, मतलब कोई भी लिंक वर्ब के बाद भी, जैसे कि हमने अभी पहले देखे थे लिंक वर्ब मतलब कोई भी चीज़ के होने की स्थिति या जो वो जो चीज़ें जिनको हम फील करते हैं, जैसे कि देयर हाउस इज ब्यूटीफुल, मतलब उनका घर बहुत सुंदर है, जैसे कि हमने देखे थे कि कोई भी चीज़ के होने की स्थिति, दैट फिल्म लुक्स इंटरेस्टिंग, मतलब वो फिल्म बहुत इंटरेस्टिंग है, मतलब ये भी होने की स्थिति में ही आया। अब अ लॉट ऑफ एडजेक्टिव्स आर मेड फ्रॉम वर्ब्स बाय एडिंग ing और ed, मतलब बहुत सारे जो एडजेक्टिव्स होते हैं वो वर्ब्स में या तो ing या तो ed लगाने से भी बनते हैं। तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल हैं वो वर्ब्स के जिन पे ing लगा देते हैं तो वो एडजेक्टिव्स बन जाते हैं, जैसे कि अम्यूजिंग, एनोइंग, बोरिंग, डिसअपॉइंटिंग, एक्साइटिंग, इंटरेस्टिंग, फ्राइटनिंग, टायरिंग, शॉकिंग, सरप्राइजिंग, वरिंग। तो ये थे आई एन जी वाले एडजेक्टिव्स। अब जो जो सबसे कॉमनेस्ट आई एन जी एडजेक्टिव्स हैं वो हैं ये, जो यहाँ पे दो सेंटेंस दिए हैं, तो जो ये जो पहला सेंटेंस है ये सेंटेंस का आइडिया है, और ये जो दूसरा सेंटेंस है तो इस सेंटेंस में वो आइडिया को इम्प्लीमेंट किया गया है। जैसे कि आप देख सकते हैं, इफ़ यू से समथिंग इज इंटरेस्टिंग यू मीन इट इंटरेस्ट यू, मतलब अगर हम कहते हैं कि कोई चीज़ इंटरेस्टिंग है मतलब वो हमको सच में इंटरेस्टिंग लगती है, उस पे हमको इंटरेस्ट होता है। जैसे कि यहाँ पे सेंटेंस में है वो, आई रीड अ वेरी इंटरेस्टिंग आर्टिकल इन द न्यूज़पेपर टुडे, मतलब मैंने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल पढ़ा न्यूज़पेपर में आज। जो दूसरा है, इफ यू से समथिंग इज टेरिफाइंग यू मीन इट टेरिफाइज यू, मतलब अगर कोई चीज़ आपको बहुत परेशान करती है तो इसका मतलब इफ यू से समथिंग इज टेरिफाइंग यू मीन इट टेरिफाइज यू, मतलब अगर कोई चीज़ बहुत डरावनी है तो उससे आपको बहुत डर लगता है। जैसे कि यहाँ एग्जाम्पल है, दैट ड्रैक्यूला फिल्म वॉज एब्सोल्यूटली टेरिफाइंग, मतलब वो ड्रैक्यूला जो फिल्म थी वो बहुत ज़्यादा डरावनी थी। अब वो वर्ब्स जिनमें हम ईडी लगा के एडजेक्टिव्स बना सकते हैं, तो यहाँ पे जो ईडी एडजेक्ट मतलब वो वर्ब्स के एग्जाम्पल हैं जिनमें हम ईडी लगा के एडजेक्टिव्स बना सकते हैं, जैसे कि एनॉयड, बोर्ड, क्लोज्ड, डिलाइटेड, डिसअपॉइंटेड, एक्साइटेड, फ्राइटेंड, टायर्ड, वरीड। और यहाँ एग्जाम्पल हैं जैसे कि इफ समवन बोर्स यू यू कैन से यू फील बोर्स बोर्ड, मतलब कोई अगर आपको बोर कर रहा है तो आप ये कह सकते हो कि अब आप बहुत ज़्यादा बोर्ड फील कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ एग्जाम्पल है, वी हैड नथिंग टू डू वी वर रियली बोर्ड, मतलब हमारे पास करने का कुछ नहीं था और हम बहुत ज़्यादा बोर हो गए थे। और ये यहाँ पे जो बोल्ड में जो वर्ड्स लिखे हैं ये एडजेक्टिव्स हैं, वो एडजेक्टिव्स मतलब जो पहले वर्ब थे लेकिन जिनको हमने ईडी लगा के एडजेक्टिव्स बनाया है। और यहाँ जैसे सेकेंड है, इफ समथिंग टेरिफाइज यू यू कैन से यू आर टेरिफाइड, जैसे कि पिछले में भी था, अगर कोई चीज़ आपको डराती है तो आप ये कह सकते हैं कि आप बहुत डरे हुए हैं। जैसे कि आई डिडंट रियली एन्जॉय द ड्रैक्यूला फिल्म, मोस्ट ऑफ द टाइम आई वॉज टेरिफाइड, मतलब कि मैंने वो ड्रैक्यूला की फिल्म एन्जॉय नहीं की, मतलब ज़्यादा समय जो जब हम पिक्चर देख रहे थे तो मैं डरा हुआ था ऐसा। अब एडजेक्टिव ऑर्डर, जैसे कि यहाँ है, वी ऑफ्टन हैव टू एडजेक्टिव्स इन फ्रंट ऑफ अ नाउन, जैसे कि यहाँ एग्जाम्पल है, अ हैंडसम यंग मैन, ये जो हैंडसम और यंग है ये दोनों एडजेक्टिव हैं। अ बिग ब्लैक कार, ये बिग और ब्लैक है, ये भी दोनों एडजेक्टिव हैं। दैट हॉरिबल बिग डॉग, ये हॉरिबल और बिग ये दोनों भी एडजेक्टिव हैं। तो हम दो एडजेक्टिव्स को भी यूज कर सकते हैं नाउन के पहले। सम एडजेक्टिव्स गिव अ जनरल ओपिनियन, वी कैन यूज दीज एडजेक्टिव्स टू डिस्क्राइब ऑलमोस्ट एनी नाउन, जैसे कि यहाँ जनरल ओपिनियन के एग्जाम्पल हैं। जनरल ओपिनियन में वर्ड्स कौन से आते हैं, जैसे कि हम किसी को कोई भी ओपिनियन देते हैं कि द फूड वॉज वेरी गुड, योर सर्विस इज वेरी बैड, ऐसे प्रकार के जो ओपिनियन होते हैं उनको हम जनरल ओपिनियन कहते हैं। जैसे यहाँ एग्जाम्पल्स दिए हैं, गुड, बैड, लवली, स्ट्रेंज, नाइस, ब्यूटीफुल, ब्रिलियंट, एक्सीलेंट,
ऑफुल इम्पोर्टेंट वंडरफुल नेस्टी। जैसे कि यहाँ पे सेंटेंस है एज एन एग्जाम्पल, जिसमें ये दिखाया गया है कि हम कैसे ये जो जनरल ओपिनियन हैं इनको हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि ही इज़ अ गुड टीचर, ही इज़ अ वंडरफुल टीचर, ही इज़ अ ब्रिलियंट टीचर, ही इज़ अ बैड टीचर, ही इज़ अ ड्रेडफुल टीचर। मतलब हम एक ही सेंटेंस में ऐसे जनरल ओपिनियन यूज़ कर सकते हैं। और जो सेकेंड है, डेट्स अ गुड बुक, दैट्स अ वंडरफुल बुक, दैट्स अ ब्रिलियंट बुक, दैट्स अ बैड बुक, दैट्स अ ड्रेडफुल बुक। तो ऐसे हम जनरल ओपिनियंस को कोई भी सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। अब सम एडजेक्टिव्स गिव अ स्पेसिफिक ओपिनियन, कुछ एडजेक्टिव्स जो होते हैं वो स्पेसिफिक ओपिनियन देते हैं। वी कैन ओनली यूज दिस एडजेक्टिव्स टू डिस्क्राइब पर्टिकुलर काइंड्स ऑफ नाउन फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहाँ एग्जाम्पल दिए हैं। तो हम जो वो जो एडजेक्टिव्स होते हैं जो सिर्फ स्पेसिफिक ओपिनियन देते हैं, तो हम इनको कुछ कुछ मतलब एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ नाउन होते हैं, मतलब कुछ तरह के नाउन जो होते हैं उनको डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे कि यहाँ एग्जाम्पल है, फूड डिलीशियस टेस्टी, फर्नीचर बिल्डिंग्स कंफर्टेबल अनकंफर्टेबल, पीपल एनिमल्स क्लेवर इंटेलिजेंट फ्रेंडली। अब जैसे कि आपने पहले जनरल ओपिनियन पढ़े थे, तो यहाँ पे ये है कि वी यूजुअली पुट आ जनरल ओपिनियन इन फ्रंट ऑफ अ स्पेसिफिक ओपिनियन। तो हम कभी भी पहले एक जनरल ओपिनियन लिखते हैं, उसके बाद ही हम स्पेसिफिक ओपिनियन लिखते हैं। जैसे कि नाइस जो कि एक जनरल ओपिनियन है, टेस्टी जो कि एक स्पेसिफिक ओपिनियन है, सॉरी। तो यहाँ पे ये है, वी यूजुअली पुट अ जनरल ओपिनियन इन फ्रंट ऑफ अ स्पेसिफिक ओपिनियन। तो हम जनरल ओपिनियन को लिखते हैं स्पेसिफिक ओपिनियन के सामने। तो ये जैसे यहाँ पे पहला एग्जांपल है, नाइस टेस्टी सूप। तो इसमें जो नाइस है वो जनरल ओपिनियन है, और जो टेस्टी है वो स्पेसिफिक ओपिनियन है। और दूसरा एग्जांपल है, आ नेस्टी अनकंफर्टेबल आर्मचेयर। तो जो नेस्टी है वो जनरल ओपिनियन है, और जो अनकंफर्टेबल है वो स्पेसिफिक ओपिनियन है। आ लवली इंटेलिजेंट एनिमल, तो लवली जो है वो जनरल ओपिनियन है, और इंटेलिजेंट वो है जो स्पेसिफिक ओपिनियन है। वी यूजुअली पुट एन ओपिनियन एडजेक्टिव इन फ्रंट ऑफ अ डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। तो हम कभी भी जो ओपिनियन एडजेक्टिव होते हैं उसको हम डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव के सामने लगाते हैं। जैसे कि वो एडजेक्टिव जो कोई भी चीज़ को डिस्क्राइब करते हैं उनको डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे कि आ नाइस रेड ड्रेस, तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि वो जो ड्रेस है वो बहुत ही अच्छी है और वो रेड कलर की, मतलब ये ड्रेस के बारे में डिस्क्रिप्शन है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये पहले ओपिनियन है नाइस, और उसके बाद ये डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव है जो उसके बारे में बता रहा है कि वो चीज़ कैसी है। तो आ नाइस रेड ड्रेस, आ सिली ओल्ड मैन, सिली ओपिनियन, और ओल्ड मतलब वो बता रहा है कि वो बूढ़ा इंसान है। दोज हॉरिबल येलो कर्टेंस, मतलब वो डरावने पीले पीले पर्दे, मतलब यहाँ जो हॉरिबल है वो ओपिनियन है, और जो येलो है वो डिस्क्रिप्शन है कि वो जो पर्दे हैं वो पीले कलर के हैं। एडजेक्टिव्स आफ्टर लिंक वर्ब्स, वी यूज सम एडजेक्टिव्स ओनली आफ्टर अ लिंक वर्ब। मतलब कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे होते हैं जिनको हम सिर्फ और सिर्फ लिंक वर्ब के बाद यूज करते हैं। जैसे कि यहाँ एग्जाम्पल है उन एडजेक्टिव्स के जिनको हम लिंक वर्ब के पहले यूज करते हैं, अफ्रेड, अलाइव, अलोन, एस्लीप, कंटेंट, ग्लैड, इल, रेडी, सॉरी, श्योर, अनेबल, वेल। सम ऑफ द कॉमनेस्ट ईडी एडजेक्टिव्स आर नॉर्मली यूज्ड, सॉरी, सम ऑफ द कॉमनेस्ट ईडी ऑफ एडजेक्टिव्स आर नॉर्मली यूज्ड ओनली आफ्टर अ लिंक वर्ब। मतलब यहाँ पे कुछ कुछ एडजेक्टिव्स का एग्जांपल है, कुछ ईडी एडजेक्टिव्स का एग्जांपल है जिसको हम सिर्फ और सिर्फ एक लिंक वर्ब के आगे ही यूज करते हैं। जैसे कि एनॉयड, बोर्ड, फिनिश्ड, प्लीज्ड, थ्रिल्ड। और यहाँ पे एग्जांपल भी है, आर टीचर वाज इल, मतलब हमारा टीचर बीमार था।
और जो सेकंड है वो है माय अंकल वाज वेरी ग्लैड व्हेन ही हर्ड द न्यूज़, तो मेरे अंकल बहुत ही खुश थे जब भी उन्होंने न्यूज़ सुनी। द पुलिसमैन सीम्ड टू बी वेरी एनॉयड, मतलब जो पुलिसमैन था वो बहुत ही परेशान लग रहा था। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो कि कैसे इधर पे हम ये सेंटेंस में लिंक वर्ब के पहले एडजेक्टिव्स को यूज करते हैं। लेकिन बट वी डू नॉट सो सॉरी बट वी डू नॉट से, लेकिन हम ऐसा नहीं कहते वी हैड एन इल टीचर, तो हम उसको सिर्फ वी हैड नहीं लिखते, व्हेन ही हर्ड द न्यूज ही वॉज अ वेरी ग्लैड अंकल, तो ये भी गलत है। और जो पहला था वो है वी हैड एन इल टीचर, तो हम इसको ऐसा भी नहीं लिखते, ही सीम्ड टू बी अ वेरी एनॉयड पुलिसमैन। तो ये सारे इनकरेक्ट सेंटेंसेस हैं। अब है थ्री और मोर एडजेक्टिव्स। समटाइम्स वी हैव थ्री एडजेक्टिव्स इन फ्रंट ऑफ अ नाउन, बट दिस इज अनयूजुअल। कभी कभी हमारे पास तीन एडजेक्टिव्स होते हैं एक नाउन के सामने, लेकिन ऐसा सही नहीं है। जैसे कि आ नाइस हैंडसम यंग मैन, तो यहाँ तीन एडजेक्टिव हैं एक नाउन के सामने। आ बिग ब्लैक अमेरिकन कार, यहाँ भी तीन एडजेक्टिव हैं। डेट हॉरिबल बिग फियर्स डॉग, लेकिन ये गलत है। इट इज़ वेरी अनयूजुअल टू हैव मोर देन थ्री एडजेक्टिव्स, एडजेक्टिव्स यूजुअली कम इन द ऑर्डर। वैसे तो ये गलत होता है कि तीन या तीन से ज़्यादा एडजेक्टिव्स अगर हम यूज़ कर रहे हैं, लेकिन एडजेक्टिव्स लिखने का भी एक ऑर्डर होता है। जैसे कि हमने पहले भी पढ़े थे, सबसे पहले आता है जनरल ओपिनियन, उसके बाद जो स्पेसिफिक ओपिनियन वाला एडजेक्टिव है वो आता है, उसके बाद जो कोई भी साइज वाले एडजेक्टिव है वो आते हैं, उसके बाद शेप, उसके बाद एज, उसके बाद कलर, उसके बाद नेशनैलिटी, एंड देन एट लास्ट मटेरियल कम्स। अब वो एडजेक्टिव जो नाउन्स के फ्रंट में आते हैं। अ फ्यू एडजेक्टिव्स आर यूज्ड ओनली इन फ्रंट ऑफ अ नाउन, मतलब कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स हैं जिनको सिर्फ और सिर्फ नाउन के पहले ही यूज करते हैं। जैसे कि नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ये डायरेक्शन है। नॉर्दर्न सदर्न ईस्टर्न वेस्टर्न, ये भी डायरेक्शन है। काउंटलेस ओकेजनल इंडोर आउटडोर, ये एग्जाम्पल थे। अब आपको यहाँ एग्जाम्पल में सेंटेंस हैं जो एग्जाम्पल एज एन एग्जाम्पल, उससे आपको समझ में आ जाएगा। ही लिव्स इन द ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट, तो यहाँ जो डिस्ट्रिक्ट है वो नाउन है और यहाँ जो ईस्टर्न है वो एडजेक्टिव है। देयर वर काउंटलेस प्रॉब्लम्स विद द न्यू मशीनरी, तो यहाँ जो प्रॉब्लम्स है वो नाउन है और जो काउंटलेस है वो एडजेक्टिव है। लेकिन हम बट वी डू नॉट से, लेकिन हम ऐसा नहीं कहते कभी द डिस्ट्रिक्ट ही लिव इन इज ईस्टर्न, मतलब जिस डिस्ट्रिक्ट में वो रहता है वो ईस्ट में है। द प्रॉब्लम्स विद द न्यू मशीनरी, मतलब न्यू मशीनरी के साथ जो प्रॉब्लम है वो गिनी नहीं जा सकती थी, हम ऐसा कभी नहीं लिखते। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और अगर आपको कहीं भी ऐसा लगे कि हम अपनी वीडियोस को और अच्छा बना सकते हैं और एफर्ट लगा के, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब इट, लाइक इट एंड शेयर इट एज मच एज पॉसिबल, एंड शो योर सपोर्ट। एंड वंस अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।